हे दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल कक्षा। तो आप सभी को पता है कि CBSE क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट निकल चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट्स जो है वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, कोई कोई दो सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा या नहीं, और अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा तो कितने सब्जेक्ट में वो दे सकेंगे, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि क्लास 10 और 12 किसी किसी का होता है 5 सब्जेक्ट और किन्हीं किन्हीं का होता है 6 सब्जेक्ट। ये 6 सब्जेक्ट में से एक जो सब्जेक्ट है वो एडिशनल होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडिशनल लेना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो एडिशनल लेते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं जिनका 5 सब्जेक्ट है। जी हाँ, अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो आपको ऑल सब्जेक्ट, जी हाँ, आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना है। अगर आप 5 में से एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, इफ़ वो फेल इन वन सब्जेक्ट, जी हाँ, इस 5 में से अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप पास नहीं माने जाएंगे, आपको उस एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। अच्छा, आप अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो गए इन 5 सब्जेक्ट में से, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। और अगर 3 में फेल हो गए, अगर आप 3 में फेल हो गए तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा, आपको फिर से एक ईयर अपेयर करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं जिनका 6 सब्जेक्ट है। तो अगर आपका 6 सब्जेक्ट है तो उनमें से आपको 6 में से 5 में पास होना है, आप पास माने जाओगे। जी हाँ, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, चाहे वो एडिशनल हो या ये 5 सब्जेक्ट हो, एक चीज़ मैं रुककर बता दूँ कि आपको इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, चाहे आप यहाँ पर हो या आप यहाँ पर हो। इंग्लिश में, यानी कि आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपको उसमें पास होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप फेल हो गए तो आप पूरे फेल, तब आपको ना ही कंपार्टमेंट देने को मिलेगा और ना ही कुछ। तो आपको पूरा पास होना है, इंग्लिश में पास होना है, ये लेकर चलिए, वो फैक्ट है पूरा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जिनका 6 सब्जेक्ट है, तो अगर आप इन 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो जो एक सब्जेक्ट है ना, वो आपके 6th नंबर में चले जाएगा। जी हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो 6 नंबर में आ जाएगा, और आपका जो रिज़ल्ट है वो निकलेगा इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप इन 5 सब्जेक्ट में पास है और एक में फेल है, तो आपको कंपार्टमेंट देना नहीं है, आप पास माने जाओगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो 2 में फेल हो गए, तो 2 में से आपको एक में, इफ़ फेल इन 2 सब्जेक्ट, अगर आप यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए और आपका एडिशनल है, तो उन दोनों में से आपको एक का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, अगर आप 2 में फेल हुए तो आप फेल माने जाओगे, पास नहीं, आपको एक में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है और उसमें पास होना है, तभी आप पास माने जाओगे। और यदि आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो उसमें से आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, बोर्ड ने डिक्लेयर क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है? ये वो एग्ज़ाम होता है जिसमें स्टूडेंट फेल होते हैं तो उस सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम देते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा या नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। अब आप सोचोगे कि हम 6 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो क्या 6 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो। जी हाँ, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में। अगर आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको कंपार्टमेंट देने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप 4 सब्जेक्ट में फेल होते हो तब आपको कंपार्टमेंट देने को नहीं मिलेगा। ये बातें आप याद रखना, कहीं पर भी आपको ये बताया नहीं जाएगा। और ये जो सभी चीज़ें हैं ये CBSE के वेबसाइट से है, यहाँ वहाँ से मैंने नहीं लिया, ये CBSE के वेबसाइट से है। तो अब हम जानते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मतलब दोस्तों क्या होता है? इम्प्रूव मतलब इम्प्रूव होना। तो अगर आप बोलोगे कि आप किसी में फेल हो गए तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, तो आपको नहीं देने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है तो आपको पहले उस सब्जेक्ट में पास होना होगा। जी हाँ, एक नंबर ही से क्यों ना हो, आपको पास होना होगा। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पास होते हैं। तो अगर किसी का मैथ्स में कम नंबर आ गया, फिज़िक्स में कम नंबर आ गया, केमिस्ट्री में कम नंबर आ गया, लेकिन वो उन तीनों में पास हुए हैं और उनका मानना है कि हम उसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते थे, तो आपके लिए यहाँ पर आ जाता है ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि कंपार्टमेंट तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का हम दे सकते थे,
इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए CBSE ने बहुत ही आसान रखा है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है तो वो आपके चॉइस के ऊपर है। आप चाहे एक में देना चाहे तो दे, दो में चाहे तो दे, अगर आपको तीन में देना है, चार में देना है, आपको जितने सब्जेक्ट्स में देना है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो एंड होता है। मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताता चलूँ, ये जो चैनल है यहाँ पर CBSE बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करें। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप फेल हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले, क्योंकि आपको ये पता करने के लिए आपको अपने सर को या स्कूल अथॉरिटी को कॉल करना पड़ता है, लेकिन अभी वो तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आपको पता है पैंडेमिक चल रहा है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।